हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टूर विद राकेश पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के एक ऐसे शहर को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो जाना जाता है अपने उच्चतम क्वालिटी के ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के लिए, जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार रेगिस्तान का हिस्सा भी है। इतना ही नहीं, राजस्थान का पहला अंडरग्राउंड एयरबेस भी इसी जिले में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिम में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत शहर बाड़मेर की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाड़मेर शहर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दिलचस्प बातें। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं बाड़मेर का एक शानदार सफर मेरे यानी आपके दोस्त राकेश प्रजापति के साथ। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के पश्चिम में स्थित बाड़मेर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो शहरकर्ता अपनी बाउंड्रीज जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर और इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से। टोटल 28,387 स्क्वायर किलोमीटर में फैला बाड़मेर राजस्थान में एरिया के हिसाब से तीसरा और भारत का पांचवा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 26 लाख के आसपास है, जो पॉपुलेशन के लिहाज से राजस्थान का सातवां सबसे बड़ा शहर है। धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर यहाँ 86% हिंदू, 12% मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जिले में मारवाड़ी, राजस्थानी और हिंदी अपनी पहली भाषा के रूप में बोली जाती है, और यहाँ के व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं RJ04 से। बात करें यहाँ की दिलचस्प हिस्ट्री की, तो बाड़मेर शहर की स्थापना 1246 में बहाड़ राव परमार ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम बाड़मेर रखा गया, जिसे बाड़मेर के अलावा मालानी, बढ़ाना, श्रीमाल, किरातकूप और कला और हस्तशिल्प का शिरमोर भी कहा जाता है। दोस्तों, बहाड़ राव परमार जूना बाड़मेर के शासक थे, और जूना बाड़मेर की पहाड़ी पर ही बहाड़ राव परमार ने एक छोटे से किले का निर्माण भी करवाया था, जो वर्तमान बाड़मेर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे जूना बाड़मेर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 15वीं शताब्दी में रावत भीम ने वर्तमान बाड़मेर शहर की स्थापना की थी। दोस्तों, जिले में सबसे लंबी नदी लूणी नदी है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यहाँ पर गर्मियों का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि सर्दियों का तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है। यानी यहाँ गर्मियों में ज्यादा गर्मी और सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ती है। वेल, क्या आपको पता है बाड़मेर की रिफाइनरीज को 30 सालों में इंडिया की बिगेस्ट डिस्कवरीज में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे कम गहराई का उच्चतम क्वालिटी का क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के भंडार है। इसलिए बाड़मेर को राजस्थान का काला पानी या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ विश्व की सबसे लंबी लगातार गर्म रहने वाली और इंसुलेटेड पाइपलाइन भी है। यह नागाना से निकलकर गुजरात के रिफाइनरीज तक 705 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और फैक्ट तो यह है कि राजस्थान का पहला लिग्नाइट यानी कोयला आधारित विद्युत संयंत्र केवल बाड़मेर में ही मौजूद है। वहीं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म बाड़मेर की शिव तहसील में 1409 ईस्वी में हुआ था। क्या आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा मोठ की दाल और ग्वार बाड़मेर में ही होता है। इसके अलावा बाड़मेर का चौहटान का गोंद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ नमक पचपदरा भी बाड़मेर में ही होता है। इसके साथ ही राजस्थान में सर्वाधिक पशुपालन भी बाड़मेर में ही होता है, जहां भारत में सबसे ज्यादा ऊंट और बकरी यहीं होते हैं। वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़, घोड़े और कांग्रेस गाय भी बाड़मेर में ही पाई जाती है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा मुल्तानी मिट्टी भी बाड़मेर में ही होती है। बाड़मेर के मुख्य लोक देवता है पीपाजी और मल्लीनाथ जी, जो राठौड़ राजवंश के थे। वहीं मुख्य लोक देवी है विरात्रा वांकल देवी। इसके साथ ही विश्व का दूसरा ब्रह्मा मंदिर बाड़मेर के आसोत्रा में है, जिसमें ब्रह्मा जी के साथ सावित्री की एकमात्र मूर्ति है। यहाँ हर साल 2 मेले और महोत्सव का आयोजन भी होता है। मार्च के शुरुआत में थार डेजर्ट फेस्टिवल, जहाँ आप राजस्थानी कल्चर और डेजर्ट फेस्टिवल का आनंद ले सकते हैं। वहीं मार्च और अप्रैल के मध्य मल्लीनाथ पशु मेला, जो आयोजित किया जाता है बाड़मेर के तिलवाड़ा में। बाड़मेर फेमस है अपने घेर डांस और होली के समय पत्थरमार होली के लिए। राजस्थान की सबसे लंबी सड़कों वाला जिला भी बाड़मेर में ही है। चलिए बात करते हैं बाड़मेर के कुछ बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस की, जिनमें सबसे पहले है ब्रह्मा मंदिर। दोस्तों, ब्रह्मा जी का एक मंदिर तो पुष्कर राजस्थान में स्थित है और दूसरा बाड़मेर में स्थित है। यह पीले सुनहरे जैसलमेरी पत्थरों से बनाया गया है, और इस मंदिर में स्थापित ब्रह्मा जी की मूर्ति संगमरमर से बनी है, जिसे आप बाड़मेर जाए तो जरूर देखने जाए। नेक्स्ट इज महाबार सेंट डुनेस। दोस्तों, आप बाड़मेर घूमने जाए और यहाँ की डेजर्ट सफारी का आनंद ना ले तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ की डेजर्ट सफारी काफी मशहूर है, जो कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ आप ऊंट की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज देव का सूर्य मंदिर। बाड़मेर जैसलमेर रोड पर बाड़मेर से करीब 62 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गाँव देवका में यह मंदिर 12वीं या 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी वास्तुकला अविश्वसनीय तथा अद्भुत है। इसी गाँव में दो और मंदिरों के खंडर मिलते हैं, जिनमें भगवान गणेश की मूर्तियां हैं, जिन्हें आप बाड़मेर जाए तो अवश्य
दृश्य देखने जाएं। इन सब के अलावा आप बाड़मेर में जूना फोर्ट और मंदिर, सफेद आंकड़ा, किराडू मंदिर, बाड़मेर किला और गढ़ मंदिर, नाकोड़ा जी जैन मंदिर और रानी भटियानी मंदिर जैसी जगहों पर भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये था बाड़मेर। अगर आप बाड़मेर के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।